सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, ये सेशन, ये वीडियो आपका होने वाला है जेई 2024 मेंस एंड एडवांस एस्पिरेंट के लिए। तो आज से 2025 के लिए आपका जो वीडियोस है वो बनना शुरू हो रहा है। ये आपका सबसे पहला वीडियो है जहां पे हम लोग तीन मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि क्या सर हमें ड्रॉप लेना चाहिए। हालांकि आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, हो सकता है कि आप एक एस्पिरेंट है या फिर हो सकता है कि आप एक एस्पिरेंट के माता पिता है। फिर भी अगर आपने ले लिया है, नहीं लिया है, डू लिसन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन को लेकर भी बच्चों के मन में काफी सवाल रहता है। हालांकि मैं आपको यह एकदम क्लियर कर दूं, स्पेशली जब बात आती है एडयू नीति की, तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चीजें चलती हैं। जेई 2025 के लिए ड्रॉपर्स या फिर ट्वेल्थ अपियरिंग फिजिक्स फुल लेंथ बैच, तो इसके ऊपर भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स आप प्लीज बता दीजिए। ठीक है, ओके। शुड यू टेक अ ड्रॉप, बड़ा ही सिंपल सा इसका तीन पार्ट में जवाब है। बहुत से बच्चों को, अगर आप इस कैटेगरी में फिट होते हो ना, तभी आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। यू नो यू कैड हैव डन मच बेटर, राइट। हमारे ऑफिस में पिछले एक हफ्तों से ना काफी बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए कि सर हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। काफी बच्चे उसमें से ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि सर हमें ड्रॉप लेना है। वाई? बिकॉज इस बार जब हमने एग्जाम दिया तो हमें रियलाइज हुआ कि हमने एक्चुअली में अपना 100% एफर्ट नहीं लगाया था, और उसमें से कुछ बच्चे 100% श्योर थे कि सर हमें ड्रॉप नहीं लेना है, बिकॉज सर आई हैव गिवन माई 100%, इससे ज्यादा अब और नहीं हो पाएगा, तो इट इज बेटर टू गेट इनटू अ कॉलेज एंड स्टार्ट अ फ्रेश थिंग, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप और बेटर कर सकते थे तो आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, बैच के डिटेल्स के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको बैच के बारे में डिटेल समझना है, आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे वो अलग बात है, फिर भी डिटेल जरूर से सुनिएगा, समझिएगा। यू रियलाइज योर मिस्टेक्स, आपको अपनी गलतियां पता है कि आपने क्या क्या गलतियां करी है। हो सकता है कि आप सिर्फ थ्योरी के ही पीछे में चक्कर में रह गए हो, राइट। हो सकता है कि आपका सिलेबस ठीक से नहीं कराया गया हो, सकता है कि आपने खुद ने बहुत सारे कामों में कमियां रखी हो, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी हो, अपने असाइनमेंट्स समय पे नहीं लगाया हो। एंड लास्ट पॉइंट, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि बेटा तुमको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। ठीक बात है, बढ़िया है सर। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन सिंपल सा है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है ना, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेटेड है, ये दो शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट है। मोटिवेटेड का मतलब है कि भैया ठीक है, आप सात में से पांच दिन पढ़ रहे हैं, दो दिन आप ठीक है डिस्ट्रैक्टेड है, राइट, इसका मतलब आप फिर भी मोटिवेटेड है। एंड डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर दिन 8 घंटा से लेकर 12 घंटा तक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। अगर आप में ये दोनों क्षमता है तो आज के तारीख में ऑनलाइन से बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, ट्वेल्थ अपियरिंग के लिए भी है, लेकिन ड्रॉपर्स के लिए तो ये बिल्कुल लागू होता है, ताकि आपका ट्रैवलिंग टाइम, आपका पढ़ने का जो स्पीड है वो ऑनलाइन में जिस लेवल का हो सकता है वो आपको ऑफलाइन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप में ये दोनों चीज़ है तो आप ज़रूर ऑनलाइन के साथ जाए। एंड ऑफलाइन में सिर्फ एक ही बात का आपको एज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं माहौल मिल जाता है वहाँ पे, आपको आपके आजू बाजू बच्चे होते, इसको हटा दे अगर हम लोग, तो आपको कॉन्टेंट की जो क्वालिटी हो सकती है या फिर आपको सिलेबस को कवर करने का जो स्पीड हो सकता है, डाउट आपके जो वहाँ रिजॉल्व हो पाते हैं, वो आपको ऑनलाइन में बेहतर मिल पाता है। ठीक है, यहाँ पे है ना, मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ जो आपको और अचंभित करेगा कि भैया ऑनलाइन में भी रह के बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हैं। यहाँ पे डेटा है 500 प्लस एडुनीतियंस के, और ये सारे मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। ठीक है, 500 प्लस एडुनीतियंस के ये डेटा है। अभी एडुनीतियंस में भी दो प्रकार के एडुनीतियंस हैं। एक ऐसा एडुनीति से पढ़ने वाला बच्चा है जिसने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स यहीं से करी है, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन डिपेंडेंट था, या फिर एक ऐसा बच्चा जो कि किसी ऑफलाइन में जा रहा था, साथ साथ वो साइड बाय साइड ऑनलाइन से भी मदद ले रहा था। सो दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ ओनली ऑनलाइन एंड बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट। तो 500 से ज्यादा बच्चों का यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स है जिन्होंने इस बार जेई एडवांस 2024 में कितने परसेंटेज रैंक आपको यहाँ पे है। अंडर 500 ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे आपको तकरीबन 3% बच्चों का है। आप 500 का 3% निकाल लो, 15 से ज्यादा बच्चे हैं। 500 से लेके 1000 ऑल इंडिया रैंक आपको 3% है। अब इसमें से कुछ बच्चे
प्योर ऑनलाइन वाले हैं, कुछ बच्चे मिक्स भी है। मैं आपको प्योर ऑनलाइन का भी स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा अभी आगे जाके। 1000 से 5000 बच्चे 17%, 5000 से 10000 रैंक आपको 29%, और 10000 से 20000 रैंक आपको तकरीबन 48% बच्चों का है। अब इसमें जो शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग डेटा है वो है आपको ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का जो मिक्स है। अंडर 10,000 ऑल इंडिया रैंक, राइट, 40, ये देखिएगा, ये ऑनलाइन, ये जो है ऑरेंज वाला वो ऑनलाइन का है। प्योर ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन में 55% बच्चे ऐसे थे, और ये सिर्फ हमारे एडुनीथियंस का डेटा है, अक्रॉस इंडिया का डेटा नहीं है, ठीक है। 55% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे ही डिपेंडेंट थे, और उनके अंडर 10,000 रैंक है, जिसमें से 1 से 2 रैंक ऐसे भी थे जो कि आपको अंडर 500 रैंक वाले भी थे। तो समय अब धीरे धीरे उस तरफ भी शिफ्ट होने वाला है, जहां पे बच्चे सिर्फ ये भी नहीं सोचते हैं कि हमें ऑफलाइन जाना है, हमें बहुत दूर जाना है घर से, बहुत प्रकार के आपको वहां पे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, रहने का प्रॉब्लम हो सकता है, मनचाहा अच्छे फैकल्टी शायद आपको वहां पे नहीं मिल पा रहे होंगे। तो बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन की तरफ भी शिफ्ट होते हैं, जहां पे उनको पता है कि भैया मेरे को डिसिप्लिन है, मैं तो अपना पढ़ ही लूंगा। और वो ये डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो आपको शिफ्ट आया है ट्रेंड में। 55% बच्चे सिर्फ ऑनलाइन के ही माध्यम से 10,000 के अंदर रैंक आसानी से ला पा रहा है, एज कम्पेयर टू 45% जो कि मिक्स है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, राइट। अंडर 20,000 ऑल इंडिया रैंक, 59% ऑनलाइन एंड 41% इज मिक्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। तो यहीं से आपको समझ में आता है, डिसिप्लिन अगर आप में है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जेई 2025 बैच, जो कि आपको मेन से लेके एडवांस तक का है, एंड ऑफ कोर्स ये हमारा सेकेंड टाइम है इस बैच को लेके, एंड दिस इज गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो सारे डिटेल्स को यहाँ पे ध्यान से आप सुनना, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट बैच फॉर फिजिक्स बेसिक टू एडवांस्ड, राइट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, स्टार्ट डेट इसका है आपको 18 जून 2024 ट्यूसडे से है, रजिस्ट्रेशन जो है इसका एंड हो जाने वाला है 25 जून 2024 ट्यूसडे तक। तो अगर आपका मन बन रहा है लेने का तो डू नॉट वेस्ट टाइम, अगर आप बिगनिंग से ही बने रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चे बीच में भी ज्वाइन करते हैं, नॉट एन इशू, बट रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको 25 जून 2024 तक के लिए ही है, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इस बैच को कभी भी ले पाओगे बाद में। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि आप इस बैच को एक्सेस कब तक कर पाओगे, तो भैया जेई एडवांस 2025 के एग्जाम तक आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि जनवरी में ही आपको ये बैच को बंद कर दिया जाएगा और फिर आपको जनवरी के बाद कोई और बैच खरीदने के लिए फोर्स किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट मास्टर बैच फॉर यू फॉर फिजिक्स, राइट। और ये कोई साइड बैच की तरह आप इसको ट्रीट मत कीजिएगा, ये आपका एक मेन बैच होने वाला है आपके फिजिक्स के लिए, राइट। जिस टाइप का स्ट्रक्चर या कॉन्टेंट आपको किसी ऑफलाइन में मिलता होगा, अच्छे ऑफलाइन में मिलता होगा, क्या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे बेटर ही आपको यहां पे होने वाली चीज है, राइट। हाउ टू ज्वाइन इट, इंस्टॉल एडुनीति एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, आप वहां पे जाओ प्ले स्टोर में एडुनीति टाइप करो, आपको हालांकि लिंक नीचे भी मिल जाने वाला है, आप इसको इंस्टॉल करो, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आप लॉग इन करना, वही मोबाइल नंबर से लॉग इन करना जो मोबाइल आपके पास हो, जो नंबर आपके पास हो, किसी और के नंबर से लॉग इन मत करना। चेक इन द कोर्स सेक्शन, एक बार लॉग इन कर लिया तो कोर्स सेक्शन में जाओ, जेई 2025 का आपको एक बैच दिखाई देगा, आप उसको वहां से बाय कर सकते हैं। पेमेंट का भी दो तरीका है, क्या तो आप फुल पेमेंट करो या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। 3 इंस्टॉलमेंट का आपको यहाँ पे फीचर दिया गया है, जो बच्चे एक बार में फुल नहीं पे करना चाह रहे हैं। वंस यू डू इट यू विल गेट इनरोल्ड इन द बैच, एंड फिलहाल के लिए आपको ऑलरेडी 36% ऑफ उस पर अप्लाइड है, ठीक है। अमेजिंग बैच है, आई एम टेलिंग यू, लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने इसको एनरोल किया था, और वो जो आपको जे एडवांस का डेटा हमने दिखाया था हमारे ऑनलाइन का, वो हमारे ऑनलाइन ड्रॉपर्स बैच का ही है मोस्टली, राइट। टेक्निकल डिटेल्स, यू कैन एक्सेस द कोर्स ऑन लैपटॉप एंड पीसी एज वेल, आप लैपटॉप में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वेब लॉगिन आप कैसे करेंगे, उसका यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखा हुआ है, ये आपको ABCD करके 4 स्टेप्स है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप क्रोम ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो इस्तेमाल करने में, विंडोज 10 या फिर अबव का इस्तेमाल करें। अगर कोई डार्क मोड एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तो उसको हटा दे, ताकि आपको स्मूथ रनिंग होनी चाहिए आपके लैपटॉप में इस वेब वर्जन में। बढ़िया है सर। फॉलोइंग स्टूडेंट शुड ज्वाइन इट, सर
किन बच्चों को ये ज्वाइन करना चाहिए या फिर कौन इसको ले सकता है? हो सकता है कि आप एक ड्रॉपर हो तो बिल्कुल लीजिए, हो सकता है कि आप एक 12th अपियरिंग हो एंड आप ऑलरेडी किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हो बट यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द फिजिक्स कंटेंट, आप यहां से बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। आपको टू द पॉइंट कॉन्टेंट चाहिए जो कि आपको उस एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हो, राइट? ये बहुत जरूरी है, रेलिवेंट कंटेंट होना जरूरी है, खासकर जब एडवांस की बात आती है। बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको एडवांस में ओलंपियाड को बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया जाए जिस कारण से बच्चे पहले ही हार मान ले कि भैया इतना तो टफ हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि एडवांस में शायद उतना टफ आता भी नहीं हो फिजिक्स में। तो टू द पॉइंट आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन, हो सकता है कि आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, हो सकता है कि आप जेई मेन प्लस एडवांस दोनों को टारगेट कर रहे हो, या फिर किसी और इक्विवेलेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। इक्विवेलेंट एग्जाम का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल बेटसैट हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इवन नीट वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स एंड थ्योरीज एंड जेई मेन्स लेवल असाइनमेंट के लिए, ठीक है? ऑफ कोर्स हमारा मेन टारगेट जो है वो जेई मेन्स एंड एडवांस होने वाला है यहाँ पे। बढ़िया है सर। बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच, दिस विल बी अ मास्टर बैच। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये आपको एक मास्टर बैच होने वाला है, कंप्लीट बैच होने वाला है। इसको लेने के बाद आपको एडुनिति के कोई भी फ्यूचर कोर्स या बैच को लेने की जरूरत नहीं है, आपको शुरुआत से सब कुछ इसी में दिया जाएगा, राइट? इट इज अ फिनोमिनल कॉन्टेंट ओवर हियर, राइट? एंड बहुत ही स्ट्रक्चर मैनर में है। यू विल ऑल्सो गेट शॉर्ट नोट्स आपको इसी बैच के अंदर। आप जैसे इस बैच को लेंगे, 18 तारीख को शुरू हो रहा है तो 17 तारीख को ही आपको इसके अंदर शॉर्ट नोट्स के प्रिंटेबल PDF डाल दिए जाएंगे। एंड हमारा बहुत पॉपुलर 2024 के लिए एक आई ओपनर सेशन चला था हमारे पेड कोर्स में, उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको इसमें शुरुआत में ही डाल दी जाएगी। इट इज वेरी वेरी अमेजिंग सेशन। इसके रिकॉर्डिंग भी आपको इसके अंदर इसी बैच में आपको डाल दिया जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे, राइट? लेक्चर्स विल बी डिटेल्ड येट कॉन्साइज। अगर आप देख सकते हैं, अगर यूट्यूब पे वेन वी टुक थर्मोडायनेमिक्स, अगर एक घंटे में इतना सारा थर्मोडायनेमिक्स में आपको यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, तो सोचिए 10 घंटे के अंदर आपको कितना डीप में थर्मोडायनेमिक्स विथ 30-40 सॉल्ड एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे कराया जाने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 9 से 11 घंटे के अंदर आपको विथ वेरी डिटेल्ड ऑल द डेरिवेशंस आपको यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको सारे डेरिवेशंस भी कराए जाएंगे। नोट द पॉइंट नंबर 2, बेसिक टू एडवांस्ड कवरिंग इवन ऑल डेरिवेशंस। जेई मेन्स में तो फॉर्मुले से काम चल जाता है, लेकिन जेई एडवांस में आपको हर प्रकार के डेरिवेशन आने चाहिए, क्योंकि जब कुछ ट्विस्ट किया जाता है तो आपको डेरिवेशंस का वहाँ पे हेल्प लेना पड़ सकता है। बाई नवंबर 2024 टारगेट रहता है हमारा कि भैया 85-90% हाई वेटेज फिजिक्स के चैप्टर्स खत्म करा दिए जाए, ताकि आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपको इनफ टाइम मिले रिवीजन के लिए, और बाकी के बचे टॉपिक्स के एटलीस्ट फॉर्मुलेस को आप अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में चले जाएं। डिफरेंट लेवल ऑफ असाइनमेंट्स होंगे, राइट? नॉन PYQs विद सॉल्यूशंस, जो कि आपके डाउट्स को एलिमिनेट कर देता है। हमारे सॉल्यूशंस भी ऐसे होते हैं जहां पे आपको 1-2% ही डाउट आपको बचता है, ठीक है? यू कैन ऑल्सो क्लियर डाउट्स फ्रॉम द चैट सेक्शन, जहां पे खुद मोहित सर यानी कि मैं आपको 24 घंटे के अंदर कोशिश करता हूं आपके चैट्स को रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का, ठीक बात है सर? बढ़िया है। तो ये तो रहे आपको कुछ पर्क्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग आवर बैच। की पॉइंट्स ऑफ द बैच, थ्योरी लेक्चर्स विल बी अ मिक्स ऑफ प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव। प्री रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि पहले से ही रिकॉर्ड करके फिर आपको मेंशन डेट पे वो लेक्चर अपलोड किया जाए, या फिर आपको लेक्चर लाइव भी कुछ कुछ होने वाले हैं। डाउट सेशन जो भी होगा वो आपको लाइव होगा। अगर आप कोई लाइव सेशन मिस कर जाते हैं तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है 2-4 घंटे के बाद। अगर क्लास आपको 6 बजे ख़त्म हुआ तो आपको रात को 10 बजे तक उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। सर ये समय क्यों लगता है रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट होने में? तो वो भैया आपको बैकएंड का टाइम है उसको प्रोसेस करने का। सीक्वेंस क्या होने वाला है चैप्टर्स का, तो शुरुआत में हमारी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा अपने मैकेनिक्स को बिल्ड किया जाए। मैकेनिक्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जब हम मैकेनिक्स कह रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी किनेमैटिक्स, बेसिक्स ऑफ NLM, राइट? बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं घुसने का है कि 10 पुल्ली लटका दिया है, 10 वहाँ पे वेज लगा दिया है, राइट? उतना ही हम लोग डीप जाएंगे जितना कि अपने को ज़रूरत हो, इवन एडवांस के हिसाब से। तो बेसिक्स ऑफ NLM, फ्रिक्शन, राइट, WEP एंड रोटेशन,
राइट right? उसके बाद हम लोग जंप करेंगे आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हाई वेटेज फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस. और इसी तरीके से मिक्स वे में आपको ये पूरा सिस्टम चलने वाला है. ठीक बात है. आपको दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको वीकली प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैच 18 तारीख से शुरू हो रहा है तो 17 तारीख को आपको अगले एक हफ्ते का प्लानर दे दिया जाएगा. सो यू कैन प्लान योर नेक्स्ट वीक. राइट आपको पता होना चाहिए कि आपका अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है हमारे बैच में, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी प्लान कर पाएंगे. फिर जैसे ही अगला हफ्ता खत्म होगा, खत्म होने से पहले आपको उसके अगले हफ्ते का प्लानर दे दिया जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक सैंपल प्लानर है. दिस इज नॉट दिस बैच प्लानर, दिस इज अ सैंपल प्लानर. राइट कि ये एक हफ्ते का हम आपको इस प्रकार से प्लानर दे देंगे कि सैटरडे को आपको क्या अपलोड होगा, संडे को क्या अपलोड होगा, मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होने वाला है, थर्सडे को क्या होने वाला है, फ्राइडे को आपको क्या होने वाला है, कितने बजे होने वाला है. ठीक बात है. दिस इज जस्ट अ सैंपल प्लानर, लेकिन ये आपको हर हफ्ते दिया जाएगा जो आपको डिसिप्लिन रखेगा. ठीक है, हमारे साइड से कोशिश की जाएगी कि भैया हर मोमेंट पे आपको डिसिप्लिन रखा जाए. अब फिर भी अगर आप नहीं रह पाते हैं देन दिस इज समथिंग जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, आपको खुद ही वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा. राइट अप्रॉक्सीमेटली पर चैप्टर आपको 300 से 400 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये आपको नॉन पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज मिक्स्ड होने वाला है. टोटल बताया जा रहा है नॉन पीवाईक्यूज प्लस पीवाईक्यूज प्लस सॉल्व एग्जांपल. अब भैया इतने सवाल अगर आप वो भी स्ट्रक्चर मैनर में आपको अगर प्रोवाइड किया जाए और अगर आप इसको खत्म करो अच्छे से, राइट तो आपको तकरीबन राइट 300 से 400 इंटू आप कर दो यहां पे 20 से 25, तो 6,000 से 7,000 सवाल अगर आप अच्छे से करते हो, वो भी अगर आप 2 से 3 बारी कर जाते हो, तो इससे ज्यादा आपको कोई और मटेरियल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. ठीक है, आपको चैप्टर टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसका भी आपको डिस्कशन होने वाला होगा. ठीक है, बढ़िया है. कौन लेगा सर ये कोर्स? ऑफ कोर्स द एंटायर कोर्स विल बी टेकन एंड कंडक्टेड बाय मोहित सर, यानी कि मेरे द्वारा ही पूरा कोर्स आपको कंडक्ट किया जाएगा. राइट ऐसा नहीं होगा कि कोर्स आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने बताया और ले कोई और रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, बिगर बेटर एंड थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वर्जन होने वाला है एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम. एंड फॉर मोर डिटेल्स आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन, डू नॉट वेस्ट फॉर द टाइम, एंड मिलते रहेंगे. टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बाय बाय.